Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये जो टाइमर वीडियो आपने देखा 5 to 1 तक मैंने जिस तरह का काउंटडाउन टाइमर बनाया है, ये कैसे बनाया है? ये मैंने बनाया है काहिन मास्टर पे। तो चलिए मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही छोटा है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा। ये कहीं कहीं पे मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे, लेकिन बहुत ईजी है। कुछ वीडियोज़ डाउनलोड करना है एंड कुछ यहाँ पे पुट करके बस उसमें कुछ ट्रांजिशन ऐड कर देने, बस और कुछ है ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा ट्यूटोरियल आप देखिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, एंड स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। सो जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो दो लिंक दिख रहे हैं उन लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ये दोनों वीडियो आपको डाउनलोड कर लेने हैं, ये ग्रीन स्क्रीन टाइमर वाला वीडियो और एक रेड सर्कल वाला वीडियो, ठीक है। आप मेरे गूगल ड्राइव के लिंक से जाके कर सकते हैं इसे डाउनलोड। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ये जहाँ पे एरो मार्क आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके इन दोनों फाइल्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करके इस तरह का डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड पर क्लिक करके सेव कर लीजिए अपने गैलरी में। और दोनों को सेव करने के बाद हम ओपन करेंगे काइन मास्टर, फिर सिलेक्ट करेंगे हमारा रेशियो 16:9 वाला, और फिर वो जो दो फाइल्स हैं, सबसे पहले ये रेड सर्कल वाले फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको देख लेना है कि फाइल ठीक से हुआ है कि नहीं। एकदम हाई क्वालिटी में आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और उसे यूज़ करना है। फिर लेयर में जाना है, फिर मीडिया में जाना है, ठीक है। मीडिया में डायरेक्टली मत जाइएगा, लेयर में जाके मीडिया में जाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकेंड वाला जो फाइल था, वो जो डाउनलोड किया था आपने ग्रीन स्क्रीन टाइमर वाला, उसको यहाँ पे लेके आना है और क्रोमा की मदद से उसको जो ग्रीन कलर है उसे हटा देना है, और साइज़ थोड़ा सा सेट कर दीजिए। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से साइज़ को सेट कर देता हूँ ताकि वो जो रेड सर्कल है उसके अंदर ये जो नंबर्स हैं पूरी तरह से यहाँ पे फिट बैठ जाएँ। फिर हमें जाना है एडजस्टमेंट में, ये देखिए एडजस्टमेंट यहाँ पे जाना है एकदम एंड में, ह्यू HUE लिखा होगा, वो ह्यू है, उसको क्लिक करके आप उसका कलर एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि रेड में जो भी कलर आपका हाईलाइट होगा उस हिसाब से देख लीजिए। मैं अभी ब्लू कलर रख रहा हूँ एंड उसे थोड़ा सा शाइनी बना रहा हूँ, उसके सैचुरेशन को कम ज़्यादा करके एंड उसके टेम्परेचर को, ठीक है। ये 5 बन गया। अभी हमें साइज़ थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, आप इसे आराम से बना सकते हैं। मैं अगर इतने धीरे धीरे बनाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। अभी 5, 4 ये जो है वो अंदर से पॉपअप होके ऊपर आना चाहिए, ठीक है, उस तरह का एक एनिमेशन देंगे। तो 5 and 4 जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट करके कट में जाकर स्प्लिट एट प्लेहेड कर देना है, मतलब उसे यहाँ से स्प्लिट कर देना है, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करना है। फिर 4 जहाँ पे एंड हो रहा है, 3 जहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे जाके आपको इसे फिर से स्प्लिट कर देना है, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा 0 तक जाना है। और ये जो टाइमर, ये जो वीडियो है, ये थोड़ा अगर छोटा पड़ जाए तो आप इसे कॉपी करके डुप्लीकेट करके फिर आगे बढ़ा दीजिए, और फिर इस तरह से आपको पूरा 0 तक करना है स्प्लिट कर करके, ठीक है। मैं पहले इसे कर लेता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं किस तरह से करना है। चलिए, मैंने अभी सारे यहाँ पे स्प्लिट कर दिए हैं और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम डिलीट कर देंगे बाद में। अब इसको हमें इन एनिमेशन देना है, सबसे पहले को पॉपअप पे क्लिक करना है और इसकी जो स्पीड है उसे एकदम लास्ट में ले जाना है 2 तक, ठीक है, वो थोड़ा स्लोली आएगा, ओके। अभी 4 को भी उसी तरह से हमें उसका भी पॉपअप यहाँ पे चेंज करना है, तो पॉप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इन एनिमेशन सबको उसी तरह से इन एनिमेशन आप दे दिए। चलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। अब इसे आप सीधे सीधे एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो मैं अभी प्ले करके थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरह का बनेगा। ये देखिए, ये 5 आया, उसके बाद देखिए अंदर से पॉप अप होके 4 आया बीच में से, मतलब वो स्केल अप होके आया, एंड फिर यहाँ पे 3, फिर 2, उसके बाद 1। सो ये एक छोटा सा मैंने एक टाइमर एनिमेशन वीडियो बनाया है, आपको आप चाहें तो और भी अच्छे डिज़ाइंस कर सकते हैं,
आप अगर चाहें तो मैं और भी अच्छे बैकग्राउंड्स आपको डाउनलोड करने के लिए दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। चलिए देखते हैं ये पूरा वीडियो आखिर बना कैसा है। वीडियो जो है काफ़ी शाइनी बना है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो ये जो टाइमर वीडियो मैंने बनाया है इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है अपने गूगल ड्राइव का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और बेफिक्र होके आराम से आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में। डाउनलोड कीजिए एंड अपने वीडियोस में यूज़ कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।